जय भारत बच्चों, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट्स बिगन। सो सबसे पहले जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर डिस्कस किया था वो है चार्जेस का। एंड जो भी बच्चा न्यू है वो सबसे पहले पुराने वीडियोज़ को देखें, तभी वो रिविजन क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले चार्जेस को, जो कि हमारे यूनिट 10 का सबसे पहला टॉपिक था। अब इसमें हमने क्या देखा है कि जो चार्जेस होता है वो किसी भी एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। एंड चार्जेस का जो SI यूनिट होता है कूलाम होता है। एंड कूलाम को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया था Q=ne, यहाँ पे क्यू जो है क्यू को हमेशा डोनेट किया जाता है, या फिर चार्ज को हमेशा डोनेट किया जाता है क्यू की हेल्प से। एंड एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई जो है आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से डैट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स दैट पासिस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय डिफरेंट मोड लाइक कंडक्शन, इंडक्शन और अदर स्पेसिफिक मैथड्स, ठीक है बच्चों। सो ये बहुत ही छोटा टॉपिक्स था। एंड अब इसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है कूलाम की। जो कूलाम है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कूलाम जो है SI यूनिट होता है चार्जेस का। एंड इसे फाइंड आउट करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे करेंट के फार्मूले से। सो करेंट का फार्मूला है I=Q/T। सो क्यू है आपका चार्ज एंड टी जो है आपका टाइम। सो क्यू को हमने फाइंड आउट किया Q=Current/T। सो यहाँ पे आपका जो चार्जेस है, चार्जेस का SI यूनिट हो गया कूलाम। एंड वन कूलाम का जो डेफिनेशन है वो हमने निकाला I × T से। I का SI यूनिट होता है एम्पियर, मतलब करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। एंड टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। सो वन कूलाम = 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है। समटाइम ये पूछा गया है कि व्हाट इज वन कूलाम। नाउ इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे करंट का। सो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है I=Q/T, दैट मींस यहां पे जो करंट है आपका, यहां पे जो आपका करंट है, करंट = charges/time। ये यहां से हमें कहां मिला? तो रेट को हमेशा मेजर किया जाता है टाइम से। एंड चार्जेस जो है आपका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, ठीक है। एंड ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे आपको करंट का डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा ट्रिक याद रखना है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम के रिस्पेक्ट में। सो करंट = charge/time। सो करंट को डिनोट किया जाता है I से, चार्जेस को क्यू से, टाइम को टी से। सो यहाँ पे 1 एम्पियर = 1 कूलाम/1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर = 1 कूलाम/सेकेंड, ठीक है। नाउ SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये हमने कहाँ से मेजर किया है? यहाँ पे मेजर किया है। एंड बच्चों ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले में बहुत काम करने वाला है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी कभी आपको माइक्रो एम्पियर में वैल्यू शो हो जाती है, तो आपको याद रखना है 1 माइक्रो एम्पियर = 10^-3 एम्पियर, ठीक है। एंड 1 एम्पियर, यहाँ देखिए मैं उल्टा कर दिया हूँ, 1 एम्पियर = 1000 माइक्रो एम्पियर होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से, एमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सर्किट डायग्राम में इस तरह से। एंड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर का जो लो रेजिस्टेंस के कारण हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एंड एमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। देन इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो एक तरीके से करंट को फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, तो ये जो हेल्प कर रहा है इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो वी कैन से डैट वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एंड हमेशा याद रखिएगा जो वर्क, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। तो यदि आपसे वोल्टेज भी पूछा जाता है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है। नाउ अब
इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, तो 1 वोल्टेज इक्वल टू 1W डिवाइडेड बाय 1Q। अब यहाँ पे 1W, W क्या है, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन को रिप्रेजेंट किया गया है W के हेल्प से, एंड Q, Q क्या है आपका, चार्जेस है, ठीक। तो वर्क डन का SI यूनिट हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जूल, एंड गुलाम किसका SI यूनिट था, चार्जेस का। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय कूलम, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज 1 वोल्ट, कई बार पूछा गया है। सो ये आपको याद रखना है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरी 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट, वोल्ट क्या है, SI यूनिट है वोल्टेज का, या फिर SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। नाउ करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है, जो करंट है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हमेशा फ्लो होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हो ओम्स लॉ का, क्योंकि ये क्लोज सर्किट डायग्राम है, एंड यहाँ पे आप इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहाँ से होगा, नेगेटिव चार्ज से, देखिए फ्लो, एंड करेंट का जो फ्लो होगा हमेशा कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, दैट मीन्स यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होगा, सो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट होगा वो R होगा, सो V इज इक्वल टू आई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड इसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टेंस, ठीक है। किसी भी मेटल का रजिस्टेंस होता है क्या, R, ठीक। सो डिफरेंस एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशन कई बार पूछी गई है ओम्स लॉ की, बच्चे ओम्स लॉ तो लर्न कर लेते हैं बट उसका एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन लर्न नहीं करते हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशंस देखते हैं ओम्स लॉ की। सो टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेजिस्टेंस और करेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है V इक्वल टू आई आर, सो V इक्वल टू आई आर में तीन कंपोनेंट है, वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करेंट। सो दैट मीन्स ओम्स लॉ की हेल्प से हम वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करेंट को मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो कह रहा है, इसमें आपको डिजायर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लर्न करना है, कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आपका वोल्टेज जो रहेगा वो कितना हमें असाइन करना है, ये हम ओम्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ओम्स लॉ का हम यूज करते हैं किसमें, डीसी एमिटर्स में, ठीक। नाउ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक एलिमेंट लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कंपोनेंट है जहां पर वन डायरेक्शन पे करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ओम्स लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि ये हमेशा उस सर्किट में अप्लाई होगा जहां पे वन डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये आप इसका एडवांटेज भी कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि हमेशा ये जो है वन डायरेक्शन जहां भी होगा करंट का वहीं पे एप्लीकेबल होगा ना। ये इसका जो अनदर लिमिटेशन है, फॉर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, अब देखिए फॉर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मतलब क्या था, अभी आपने क्लोज सर्किट में देखा लीनियर फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा था, वन डायरेक्शन फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे नॉन लीनियर आ गया। अब स्वाभाविक बात है, इसका फर्स्ट ड्रॉबैक यही कह रहा है कि ये हमेशा वन डायरेक्शन में एप्लीकेबल होता है, नंबर ऑफ डायरेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होंगे तो उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नॉर्मली दोनों सेम है, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको डायरेक्शन बता देना है कि केवल सिंगल या वन डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगा, वहीं पे एप्लीकेबल होगा हमारा ओम्स लॉ, एंड डायोड एंड ट्रांजिस्टर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इसको हम और भी दूसरी भाषा में कहें तो ये नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो अब हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रजिस्टर्स।
अब रजिस्टर्स क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये किसी भी फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रजिस्ट करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रजिस्ट करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रजिस्टर्स। सो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन ही दिया है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब यहाँ इस डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है कि वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ फ्लो करता है, बट रजिस्टेंस उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है, ठीक। एंड करेंट जो है वो हमेशा रजिस्टेंस के अपोजिट में फ्लो होता है। सो ये हमने फॉर्मूला निकाला रजिस्टेंस का, ये हमने कहाँ से निकाला है, ये हमने निकाला है वी इज इक्वल टू आई आर से, ठीक है। ये हमने कहाँ देखा था, ओम्स लॉ पे देखा था, तो उसी की हेल्प से हमने रिप्रेजेंट किया है आर इज इक्वल टू वी आई, ठीक। सो वन ओम्स इज इक्वल टू वन वोल्ट डिवाइडेड बाय वन एम्पियर, वन वोल्ट क्या है ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज एंड आई का ऐसा यूनिट था एम्पियर, सो वन ओम इज इक्वल टू वन वोल्ट डिवाइडेड बाय वन एम्पियर। नाउ व्हाट इज ओम, सो ओम्स इज अ ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज वन ओम्स, ठीक है। सो इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम जो देखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यहाँ पे एल क्या है लेंथ है एंड आर क्या है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो अब ये देखिए यहाँ पे जो केबल्स है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कितनी मोटी है उसकी बिट कितनी है, तो उस एरिया को आप कहोगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया से, आर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए, और वी कैन से आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ थर्ड जो है द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का जो मटेरियल है वो किस नेचर का बना हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत एक समराइज वर्जन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ही हम रजिस्टिविटी भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अभी तो हम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फैक्टर था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, सेकेंड फैक्टर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड फैक्टर था टेम्परेचर, एंड चौथा था नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। सो इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास कंडक्टर था उसको हमने डबल कर दिया, सो यहाँ पे आपका एल हो गया कितना, एल एंड देन एल, यहाँ पे हमने सेम लेंथ के दो कंडक्टर लिए, सो एल प्लस एल हो गया आपका, एल प्लस एल हो गया आपका 2L, एंड आर प्लस आर हो गया आपका 2R, एंड आपका जो करंट है जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है वो सेम है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम किसी भी लेंथ को डबल करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर का वो क्या हो जाएगा 2R, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, इसलिए कहा गया R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। जैसे R देखिए L हमारा 2L हुआ तो R भी क्या हो गया 2R हो गया, तो इसीलिए इसको कहा गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब नाउ सेकेंड फैक्टर देखते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे हमारे पास L लेंथ का दो कंडक्टर है एंड उसके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, सो आपका करंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, I डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, L बाई A में क्या हो रहा था, करंट I का पूरा फ्लो हो रहा था, बट यहाँ पे डबलिंग हो रही है, तो डबलिंग होने के कारण आपका करंट क्या हो जा रहा है, आई डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आपका लेंथ तो सेम ही रह गया L, बट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया आपका 2A हो गया, तो उसकी हेल्प से जब आप निकालोगे तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कंडक्टर जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा है, जितना मोटा कंडक्टर होगा उतना ही कम होगा उसका रेजिस्टेंस, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका
जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल किया आपने तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। वहां पे क्या हो रहा था, लेंथ को डबल कर रहे थे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया था, डबल हो गया था। ठीक है ना, तो लेंथ के मामले में दोनों सेम होंगे एंड क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होगी तो जब डबल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे स्टडी करते हैं। सो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, सो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मेजर करने के लिए ये देखिए दो फैक्टर्स थे हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इसकी हेल्प से हमने पाया, ये क्वेश्चन नंबर वन है एंड क्वेश्चन नंबर टू। सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन एंड टू, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक, यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एंड ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो आर आपके पास मिला क्या, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए डिवाइडेड बाय नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। यहां पे हम क्या देखने वाले हैं, ये दो फैक्टर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इसको आप इक्वेशन नंबर वन कर लीजिए एंड ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। सो यहां पे आपको क्या मिला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब प्रोपोर्शनल लगा है तो यहां पे कोई ना कोई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, जो कि है हमारा यहां पे रो। सो रो कैसे मेजर करेंगे देखते हैं। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब यहां पे एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एंड ए क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए जो रो है रेजिस्टिविटी का बना, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, ये दिखा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाय एल। अब इसका ऐसा यूनिट कैसे मेजर करेंगे, तो आर का ऐसा यूनिट था ओम्स एंड एरिया का मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का हो गया मीटर। सो मीटर से मीटर स्क्वायर क्रॉस हो गया तो आपके पास बचा ओम्स मीटर। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम्स मीटर। बच्चों ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना रहा तो वहां पे आपको एसआई यूनिट शो करना है ओम्स मीटर, बट जब आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो वहां पर आपको ओम्स ही लिखना है, केवल ओम्स लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मेजर करना था तो यहाँ पे इन्होंने ओम्स एसआई यूनिट लिखी थी। ठीक है, बट यहाँ पे रेजिस्टिविटी करना होगा तो आप किसको मेजर करोगे, ओम्स मीटर को। नाउ रजिस्टर्स इन सीरीज, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले हमने जो स्टडी करने वाले हैं वो है सीरीज पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर वन आर टू आर थ्री ये एक इंड से दूसरे इंड में आपस में कनेक्टेड है। सो हम कह सकते हैं व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन नॉर्मली फॉर्म में कहा है, तो रजिस्टेंस जो है वन इंड टू अनदर इंड आपस में कनेक्टेड रहते हैं उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इसमें नॉर्मली क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी इक्वल टू आई आर आपको कहाँ मिला था, यस ओम्स लॉ पे। तो वी इक्वल टू आई आर, सो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल वोल्टेज है एंड डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज फ्लो होगा। सो वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। सो वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस बस चेंज हो रहा है बट करेंट क्या है, सेम है। सो वी इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। सो आई आर इक्वल टू, ये यहाँ पे हमने आई को कॉमन ले लिया एंड आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ब्रैकेट में हो गए, आर आर इंटरसेक्ट हो गया। सो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिला आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई होप सो आपको यदि इसके न्यूमेरिकल भी मिल जाए तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे एंड जितने भी न्यूमेरिकल्स है हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। नाउ रजिस्टर्स इन पैरेलल, वहां पे क्या था, इन टू इन कनेक्टेड थे, यहाँ पे क्या है, वन पॉइंट में आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम पे देख रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इस पॉइंट से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो वन पॉइंट में आपस में कनेक्टेड है इसलिए इनको कहेंगे पैरेलल। यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है वो चेंज हो जाएगा एंड वोल्टेज सेम रहेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज। यहाँ जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो सभी रेजिस्टेंस में यहाँ पे क्या होगा, इक्वल वोल्टेज होगा। वहां पे क्या सेम था, करंट सेम था, यहां पर क्या सेम है, वोल्टेज।
सो टोटल करेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट. सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो टोटल आपके पास क्या हो गया, V डिवाइडेड बाय R. ये भी आपको कहाँ से मिला, ओम्स लॉ की हेल्प से मिला. गुड. सो V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3. सो V कॉमन था, हमने किनारे लिया उसको, मतलब ब्रैकेट में लिया एंड V को क्रॉस कर दिया. सो टोटल रेजिस्टेंस मिला आपको R1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होगा तब हम किसका यूज करेंगे, सीरीज का. और जब भी आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होगा उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, पैरेलल का. ये जो लाइन है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिएगा कि सीरीज को कैसे रजिस्टर्स में हम मेजर करते हैं, पैरेलल में हम कैसे देखते हैं. नाउ इसके बाद एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे तीन एडवांटेज है. आपको यदि कुछ एक्स्ट्रा पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए. नाउ इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल सो द सर्किट इज ब्रोकन. दैट मीन्स यदि सीरीज में यदि कोई भी रजिस्टेंस काम करना बंद कर दे तो वो सर्किट ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. बट पैरेलल में ऐसा नहीं है. पैरेलल में यदि कोई रेजिस्टेंस फेल होता है तो बाकी के जो रेजिस्टेंस है वो वर्क करते हैं. नाउ सेकंड है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट. यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल के करंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, जो कि हमारे घर पे होता है, पंखे में अलग हमें यूज़ करना है, फैन में हमारे पास अलग है, टेलीविजन में अलग है, फ्रिज में अलग है. तो ये सब अचीव हो पाता है किसकी हेल्प से, पैरेलल की हेल्प से. नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीजेस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको करंट ज़्यादा चाहिए हो, रेजिस्टेंस कम हो, उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए सीरीज में लेने में हमारे पास नुकसान भी है. नुकसान क्या है, करंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब डिक्रीज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, हाई है ना. सो बच्चों अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. अब यहां पे आपको देख रहे होंगे इसके हाथ में इलेक्ट्रिक पावर है, इसको आप हॉलीवुड की शक्तिमान भी कह सकते हैं. ठीक है, सो इसी शक्तिमान को ध्यान करते हुए हम इलेक्ट्रिक पावर को स्टार्ट करते हैं. ना इलेक्ट्रिक पावर, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि आपकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है, उसी को आप बोलेंगे पावर. एंड जब हम ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर. सो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, पी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी. डब्ल्यू क्या था आपका, जूल. जूल मतलब ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन. सो जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड इज नोन एज पावर. पावर का ऐसा यूनिट वाट. ठीक है, सो W का हमारे पास जो फॉर्मूला है, W इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई बाय T. ठीक है, सो P इक्वल टू क्या हो गया, देखिए V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय T. तो TT हो गए क्रॉस, सो आपको मिला V मल्टीप्लाई I. ठीक है, तो जब भी आपको पावर मेजर करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट और वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. सो P इक्वल टू हो गया आपके पास VI. अब VI हो गया तो V हो गया आपका IR. याद आया आपको V इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ की हेल्प से आपको मिल गया P इक्वल टू I स्क्वायर R. ठीक है, ये कैसे हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, I स्क्वायर R. तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको नॉर्मली 1 by 1 सीक्वेंस में याद करना है. तो सबसे पहले तो आपको याद रखना P इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I. एंड दूसरा फार्मूला क्या मिला, P इक्वल टू I स्क्वायर R. एंड तीसरा फार्मूला आपको पावर को क्या मिला, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. सो तीन मेन फार्मूले हैं. एंड आपको ये भी याद रखना है P इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T. तो पावर के आपके पास चार फार्मूले हो गए, P इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T. इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और लर्न कर लीजिएगा. P इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. नाउ ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट, जैसा कि हमने यहाँ पे मेजर किया है, जूल डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वाट. ठीक है, या फिर आप इसको और भी दूसरी भाषा में देखें तो 1 volt डिवाइडेड बाय 1 ampere. ये आपको कहाँ से मिला, सॉरी 1 volt मल्टीप्लाई बाय 1 ampere, ये कहाँ से मिला, V I. ठीक है,
वी का हो गया वोल्ट एंड आई का हो गया एम्पियर, तो आप यहां से भी मेजर कर सकते हो। तो पी इक्वल टू वी आई से आपको मिल गया क्या, 1 वाट। नाउ ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। आप ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, मैं सबके कमेंट देखूंगा। ये वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। एंड आपको ये भी याद रखना है, 1 किलोवाट आवर्स है वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। आपका जो बिजली बिल आता है वो 1 यूनिट के हिसाब से आता है, तो 1 यूनिट का अमाउंट कैसे मेजर करोगे, तो इसकी हेल्प से मेजर करोगे। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 9th में भी पूछा गया था, 10th में भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसकी स्क्रीन को स्नैपशॉट जरूर लीजिएगा। एंड इसकी वैल्यू आप कैसे मेजर करोगे कमेंट बॉक्स में मैं सभी के चेक करूंगा। नाउ ये आपके घर में कभी ना कभी तो हुआ होगा, इसको ये आपके घर में जरूर हुआ होगा कभी ना कभी, इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी के घर में ऐसे केसेस बने होंगे, ठीक है। सो इसे हम स्टडी करने वाले, ठीक। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज ये क्या है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अब ये क्या है, तो जब भी घर पे ओवरलोडिंग होगा, ओवरलोडिंग मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट ही कम, बट कुछ रीजन से हमने घर पे ज़्यादा यूज़ करने लगा, जैसे हमने ड्रिल मशीन भी स्टार्ट कर ली, बड़े बड़े मशीन एक साथ हमने प्ले करने लग गए, तो उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो ये फ्यूज़ होगा अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होने से क्या हो गया, जब भी ओवरलोडिंग होगा, देखिए जब तक आप यूज़ कर रहे थे तब तो ठीक है, लेकिन एकदम से आपने बंद किया या करंट फ्लो हो गया ज़्यादा, तब क्या होगा, घर के जो दूसरे कंपोनेंट है वो ब्लास्ट हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए ये बेचारा जो फ्यूज़ है अपने आप को शहीद कर देता है। हाँ, आप ये बिल्कुल सही कहेंगे, शहीद कर देता है। एक तरीके से आपके घर की सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, आपके घर पर लगा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लगा है तो ज़रूर लगवाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ओवरलोडिंग से हमारे घर को बचाता है, ठीक है। ये बनता किससे, तो प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज़ के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्यूज़, ठीक है, बना किससे है, तो प्योर टिन से बना होता है या एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। एंड ये हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज के फॉर्म पे। सीरीज के फॉर्म में क्यों कनेक्ट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ बताइए, ठीक है। एंड विथ लाइव वायर, लाइव वायर क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो घर के बाहर में ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आती है तो सबसे पहले मीटर में कनेक्ट होता है, देन मीटर से फ्यूज में कनेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है। मतलब जो पोल होते हैं जहाँ से वायर आती है हमारे घर पे, तो उस वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है। एंड ये सीरीज में क्यों कनेक्ट होते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं सभी के आंसर चेक करूंगा। ये क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया ब्लास्ट होता है, जैसे ओवरलोडिंग होगा ब्लास्ट होगा, यदि मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा तो मतलब हैवी वोल्टेज हमारे घर में इंटर कर जाएगा एंड हमारे इक्विपमेंट को ब्लास्ट कर देगा, इसलिए ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको फ्यूज समझ में आया होगा क्या इंपॉर्टेंस है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। इलेक्ट्रिक फ्यूज ये आपको एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने शो करना चाहा ग्राफिक्स के फॉर्म से, केबल जल जाती है एंड जो आपके शॉर्ट सर्किट है वो बर्न हो जाते हैं, कभी कभी प्लग से धुएं आने लग जाते हैं, ये ओवरलोडिंग के कारण ही होता है, ठीक है। नाउ हीटिंग इफेक्ट, सो हीटिंग इफेक्ट आपने ये देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब भी आप इस ब्रिज के नीचे जाएंगे तो आपको कुछ साउंड जनरेट होता है, उस साउंड क्या होते हैं, तो साउंड रियल में क्या होते हैं, उस वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होते हैं एंड प्रोटॉन से कंटिन्यू क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो जब प्रोटॉन से हिट करते हैं तो वो उससे वाइब्रेशन जनरेट होता है, तो उसके कारण वो साउंड जनरेट होता है एंड उसी साउंड के कारण जनरेट होता है हमारा हीट। देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एंड प्रोटॉन्स को वो आपस में टकराते हैं, तो उससे क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के कारण साउंड भी जनरेट होती है एंड उसी से जनरेट होता है क्या, हमारा हीट। अभी हीट का क्या रोल है, तो आपके घर में प्रेशर होगा, आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो हीटिंग इफेक्ट में हम नॉर्मली हम देखते हैं, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर हीट एनर्जी जनरेटेड इन द कंडक्टर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रेशर,
तो प्रेस में क्या होता है नॉर्मली आप समझ जाइए, यहाँ पे अभी ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि प्रेस में होता क्या नॉर्मली, हाई रेजिस्टेंस का वायर हम यूज करते हैं ताकि वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो एंड ज्यादा टाइम तक उसको हम रखते हैं ताकि जो आयरन है वो हमारा हीट हो जाए एंड उसी हीट एनर्जी का यूज करके हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट है द रेजिस्टेंस, टाइम एंड द अमाउंट ऑफ करंट। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, सेम जितने ज़्यादा टाइम तक आप उसको गर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हीटिंग इफेक्ट बनेगा एंड सेम द अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो आप ये तीन प्रेस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। सो आई क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने कहाँ से मेजर किया है, सो हमने यहाँ से मेजर किया था, देखिए द रेजिस्टेंस, द टाइम, द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। सो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। सो यहाँ पे आई क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट है, आर क्या है रेजिस्टेंस है एंड टी क्या है टाइम स्पेंड ऑफ हीट जनरेशन है। आई होप सो आपको ये बनता होगा, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है हीटिंग इफेक्ट में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। नाउ यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट का, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर एंड सेम ओवन होता है हमारे घर पे, वो भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। सो नॉर्मली किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसकी वर्किंग क्या होती है। आप इस एग्जाम्पल को देख करके और भी ज़्यादा आइडिया निकाल सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट रियल में होता क्या है एंड आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। तो आपको नॉर्मली तीन चीज़ शेयर करना है, एक सो असाइनमेंट ऑफ द डे ये है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, एज वेल एज आप चाहो तो इसका वीडियो बना करके प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो इसके आंसर्स के साथ। आपको जो भी अच्छा आंसर लगे मैं उस आंसर्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा। तो यदि आपसे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके पास अवेलेबल तो प्लीज़ उसका वीडियो बनाएं एंड मेरे साथ शेयर करें। आई होप सो आपको क्लास आज की समझ में आई होगी एंड जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे वो आप अपनी नोटबुक में प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा एंड यदि आपको लगता है कि वो वीडियो आप बना सकते हो तो प्लीज़ वीडियो बनाइए एंड मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।